जैसा उन्होंने काम किया ऐसा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं किया। इलाके के विधायक का नाम क्या? राजेश गुप्ता नाम है। राजेश गुप्ता क्या काम किए? यहाँ झुग्गियों में पानी का काम भी, ये नया सीवर करवाया है, पानी दिया है, हर चीज का सहूलियत दिया है, बहुत दिया है। अगर नंबर देने हो तो 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहिए? 10 जाना चाहिए। उनके कामों को 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 10 देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में ये पता करने कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा चुनावी रथ पहुंचा वजीरपुर विधानसभा में, जहां हमने वहां के क्षेत्रवासियों से पूछा कैसे रहे केजरीवाल सरकार के 5 साल, क्या उनके विधायक आए आपके क्षेत्र में, किया कुछ काम या हो गए फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट वजीरपुर विधानसभा से। आपका क्या नाम? मिन्नतुल्ला। कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता हूँ। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हो? क्यों नहीं जाता हूँ वोट डालने। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? अगला मुख्यमंत्री जो अभी हमारे पास मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यही होना चाहिए मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? अरविंद केजरीवाल इसलिए होना चाहिए कि इस जैसा मुख्यमंत्री आज तक दिल्ली में हमने देखा ही नहीं। जैसा उन्होंने काम किया ऐसा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं किया। क्या काम किया ऐसा? उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, उन्हें लेट्रिन फ्री कर दिया। हम लोग गरीब में झुग्गियों में रहने वाले हैं और हम लोगों को जितनी सारी सुविधा उन्होंने दिया, इतना सुविधा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। इलाके के विधायक का नाम क्या? राजेश गुप्ता नाम है। क्या काम करा उन्होंने इलाके में अब तक? यही सब काम करवाए, उन्होंने ही तो काम करवाया। जो मुख्यमंत्री ने उनको काम दिया, उन्होंने हम लोगों को काम दिया, ये सब काम करवा के हमें सुविधा दिया है हमको। इलाके में कभी देखा उन्हें आते जाते? खूब आते हैं, वो हफ्ते में एक दिन मिलने आते हैं हम लोगों से। 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के लिए उन्हें? 10 में से 10 के 10 देंगे ना जी। थैंक यू सर। आपका क्या नाम? मोहम्मद इजाज। कहाँ रहते हो? यहीं वजीरपुर जैसे कॉलोनी। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? हाँ जी। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले, आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? बेहतर है। अच्छा, क्या बेहतरीन काम किया उन्होंने? अच्छे काम करते हैं, हम लोग झुग्गी में रहते हैं लेकिन खुश हैं। आपके विधायक का नाम क्या है? क्या नाम? राजेश गुप्ता। उन्हें कभी देखा है इलाके में? जी देखते बोला। क्या क्या काम कराया उन्होंने? आते हैं, जो भी कमी रहता पूरा करके जाते हैं। ऐसे कुछ काम कराए हैं एक दो? जी रोड का काम करवाए हैं, पानी का काम करवाए हैं। जी पानी अच्छे हैं। हाँ जी। उनके कामों के लिए 10 में से उन्हें कितने नंबर देंगे? 10 नंबर देंगे। आपका क्या नाम? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ रहते हो आप? जय कॉलोनी पत्थर वाला बाग वजीर। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? जी जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आएंगे 2 महीने बाद, आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल अच्छा काम करवाते हैं राजे। क्या काम कराया उन्होंने? गली बनाई, सड़क बनाया, बोरिंग लगवाई, पानी और हॉस्पिटल बनवाने, दवाई फ्री करवा दी, सारा काम करवाते हैं अच्छे। MLA का नाम क्या आपके एरिया? राजेश गुप्ता। उन्होंने कुछ काम किए? जी हाँ, हर काम। क्या काम कराया? गली बनाया, सड़क बनाए, पानी की बोरिंग लगवाई है, सारी कुछ लगवाया, दवाई। संतुष्ट है उनके कामों से? जी हाँ। अगर नंबर देने हो तो 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहिए? 10 जाना चाहिए। आपका क्या नाम? मोहम्मद परवेज। कहाँ रहते हो? जय कॉलोनी पत्थर वाला बाग। चुनाव आते हैं, वोट देने जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले, आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? केजरीवाल ही होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। ऐसा तो कोई काम नहीं कराया। बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया? यहाँ झुग्गियों में पानी का काम भी, ये नया सीवर करवाया है और लगभग गली में काम भी करा बहुत अच्छा, और रास्ते मतलब लोग हर सहायता काम करते हैं। विधायक कौन है आपके एरिया के? राजेश गुप्ता। क्या काम करा रहे हैं वो इलाके में? इलाके में लगभग हमेशा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। जब चाहे जब जिस टाइम बुलाते हैं विधायक आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या काम कराए? पाइप करवाया इन्होंने, बिजली नया सीवर करवाया है, और लगभग जो भी काम होता है पब्लिक, हर कोई पब्लिक खुश है उनसे। 10 में से अगर नंबर देने उनके कामों के लिए तो कितने नंबर देना चाहिए? 100 भी दे कम है, 100 भी दे कम है उनके लिए। आपका क्या? मोहम्मद इकराम। कहाँ रहते हो? ये जय कॉलोनी झुग्गी में। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? जी जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी राय से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? बहुत अच्छा है केजरीवाल। बहुत अच्छा है, मैंने तो देखा नहीं कभी। क्या काम कराया? हम लोग को जिस चीज़ के काम की जरूरत पड़ा उन्होंने सब काम पूरा कर दिया हमारे लिए। कोई काम बताइए, क्या काम कराए? अस्पताल में जाते बिल्कुल आराम से हमें दवा मिलता है, जो चीज़ की हमें दवा की जरूरत पड़ती है आसानी से मिलता है, टेस्ट फ्री हो गया है, सब कुछ फ्री हो गया है। MLA का नाम क्या है इलाके के? राजेश गुप्ता। देखे इलाके में? हाँ जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी आए थे।
क्या काम कराया? आते जाते हैं, खाली काम भी कराते हैं? नहीं, काम कराते हैं। ये कैमरा हमारे घर के सामने लगा हुआ है, हमारी गाड़ी की सेफ हो गया, चोरी होने का टेंशन खत्म हो गया है। तो फायदा होगा 10,000 का? जी जी, बहुत फायदा। कितने नंबर देंगे उन्हें 10 में से उनके कामों के लिए? मैं 10 में से 10 नहीं दूंगा, 100 दूंगा, 100 दूंगा। आपका क्या नाम है? अरमान अली। कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ मैडम, पत्थर वाले पास। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? हाँ जी। अभी विधानसभा चुनाव आएंगे, आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी को ही होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्योंकि उन जैसा नेता तो आज तक कभी ना आया है और ना कोई आएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जो दिल्ली क्षेत्र के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे विकास किए हैं कि आज तक किसी नेता ने शायद ही ऐसा काम और विकास किया होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी सीवर का काम किया, हमारे यहाँ शौचालय बनवाए, शौचालय के अंदर साफ सफाई, हमारे यहाँ कैमरे लगवा दिए उन्होंने, पानी फ्री आता है, बिजली फ्री कर दिया उन्होंने, इतनी सुविधा कर दी, क्योंकि आज तक किसी नेता ने इतना काम नहीं कर पाए, इसलिए मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। एमएलए कौन है आपके? राजेश गुप्ता जी। कुछ काम करा रहे हैं वो भी? जी, उन्हीं की बदौलत, उनकी वो जब केजरीवाल जी के विधायक है वो तो वही करवाएंगे काम सारा। कितने नंबर देंगे उनके कामों के लिए? मैडम 10 में से 10। मोहम्मद शकील। कहाँ रहते हो? जय कॉलोनी। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? विधानसभा चुनाव आएंगे 2 महीने बाद, आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? हमारे राय से तो सबको वोट देना चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल? क्यों केजरीवाल? केजरीवाल जो है हॉस्पिटलों में और शौचालयों गरीबों को बहुत सुविधा दिया दिल्ली के अंदर। विधायक का नाम क्या है आपके एरिया के? राजेश गुप्ता। उन्होंने कुछ काम कराए इलाके में? वो जो केजरीवाल जो विधायक है उनका तो वो तो जरूर वही जो काम देगा वो तो करेगा जरूर। एक दो काम बताओ कुछ अलग बेहतरीन देखा? बहुत सा काम करके दिया, जो दिल्ली में जो कर दिया वो अगला मंत्री नहीं कर सकता। 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के लिए? राय से तो 100% हम ही देंगे। आपका नाम? साहिना। कहाँ रहते हो? यही जुग्गी में, जय कॉलोनी। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते? हाँ जाते हैं। अभी इलेक्शन आएंगे 2 महीने बाद, आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? वो बहुत किया है ना जुग्गी वाले के लिए, बच्चे का स्कूल फ्री की बहुत कर है, बिजली का बिल किया है, बस फ्री किया है, तो केजरीवाल न करे जीत गए। पानी दिया है, हर चीज़ का सहूलियत दिया है, बहुत दिया है। आपके विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। उन्होंने कुछ काम कराया इलाके में? हाँ किराया है। क्या काम कराया? बहुत जो काम होता है आते हैं हफ्ते में देखे के लिए, हफ्ते हफ्ते आते हैं। 10 में से उनके कामों के लिए उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? 10। आपका क्या नाम? नसीमा खातून। कहाँ रहते हैं? वजीरपुर जय कॉलोनी। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? जी हाँ जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आएंगे, आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छे काम? बहुत अच्छे काम किए हैं, पानी जैसे दे रहे हैं, वो जैसे बस फ्री हो गए, हॉस्पिटल फ्री हो गए, इलाज फ्री हो रहे, ऑपरेशन जैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन फ्री हो रहे हमारे आदमी के, जैसे जैसे प्राइवेट में हुआ फ्री ऑपरेशन हुआ है। हाँ बहुत अच्छे काम करते हैं। इलाके के विधायक कौन है? राजेश गुप्ता। वो क्या काम करा रहे हैं? भी अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा, जो भी जरूरत रहती है जाते हम लोग तो सुनते हैं, करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। उनके कामों को 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 10 देंगे। हाँ हम लोग उनके साथ हैं, पूरे पब्लिक उनके साथ हैं। आपका साजिदा खातून। कहाँ रहते हो? यही 200 नंबर झुग्गी है। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते? हाँ जी जाते। अब 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव आएंगे, आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। क्या काम करा रहे? स्कूलों में बच्चों के लिए बस फ्री, स्कूल फ्री, सड़कें फ्री, हॉस्पिटलों में ये क्या कहते हैं जांच वाँच ऑपरेशन वपरेशन सब कुछ सही है, ठीक ठाक। विधायक का नाम क्या आपके? राजेश गुप्ता। वो क्या काम करा रहे? वो भी ठीक ठाक करा रहे हैं। क्या काम करा रहे? जो भी काम करवाने जाती हूँ कर देते हैं, जैसे फॉर्म वॉर्म का कोई काम हो या डॉक्टर का, तो हम लोग तो अरशद जी के पास जाते हैं, उनसे तो मिलते नहीं। संतुष्ट हैं वैसे उनके कामों से? बहुत बहुत। अगर नंबर देंगे 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहिए? अरे नंबर उन्हीं को मिलेगा। आपका क्या नाम? मन दीदी मैंने बोला। आपका क्या नाम? मलका। कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हैं। चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं? जी हाँ। अभी विधानसभा चुनाव आएंगे, आपकी राय से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल होना। क्यों केजरीवाल होना चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए तो अच्छा काम करते हैं, गरीबी को साथ देते हैं हर काम में, जो ज़रूरत की चीज़ होते वही हमारे वही मुख्यमंत्री काम करते हैं। विधायक का नाम क्या आपके? राजेश गुप्ता। उन्होंने कुछ काम कराए? हाँ उनसे भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, अगर
कोई काम पड़ता तो उनके पास भी जाते तो वो भी करवा देते। इलाके में आते जाते कभी देखते जाते रहते, हर इंसान से दुआ सलाम करते रहते। उनके कामों से संतुष्ट? जी हाँ सर। अगर नंबर देंगे उनके कामों के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर उन्हीं को देंगे हम लोग। आपका? हमारा मैरातन खातन। कहाँ रहते हो? यही बगल रहते हैं। चुनाव आते हैं वोट डालने जाते हो? नहीं, हमारा तो आधार कार्ड है, पहचान पत्र नहीं, हम तो किरायेदार हैं। कोई बात नहीं, मकान मालिक बन जाओगे।